शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने ब्लाउज का बैक नेक है जो हम कंट्रास्ट में बनाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर पैटर्न है, आप इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज का बैक नेक है जो हम लोग डबल कलर में बनाने वाले हैं। इस कलर की हम लोग इसमें डिज़ाइन देने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई जो ले रहे हैं हम लोग इसमें 3.5 ले रहे हैं, और इसकी लंबाई हम लोगों को चाहिए 10 इंच। लंबाई का नेक तो हमें 10 इंच चाहिए, इसलिए नेक की तो हम लोग ये वाली शेप दे देंगे इस तरीके से, और बाकी ये सारा हम लोग नीचे स्ट्रेट इस तरीके से कट कर देंगे, ताकि हम लोग इसके बीच में डिज़ाइन डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हम लोग इस तरीके से करके ये यहीं से हम लोग थोड़ा सा स्लांट लेते हुए थोड़ी सी चौड़ाई में इसको कट कर देंगे। ये दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो गए, ये इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। अब इसी ग्रीन कलर की हम लोग सबसे पहले इन दोनों पॉइंट पे पाइपिंग लगा। फ्रेंड्स, पैटर्न डालने के लिए हम लोगों के जो दोनों कपड़े लिए हैं तो 3 पोर्शन हम लोग इसके काटेंगे और 3 ही पोर्शन हम लोग इसके ग्रीन के काटेंगे। अब उस डिज़ाइन की हमें कटिंग कैसे करनी है, उसके लिए हमें ये चौड़ाई लेनी है कपड़े की 9 इंच, और ये लंबाई ले रहे हैं हम लोग 5 इंच। 9x5 का कपड़ा लेके इसको इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर देंगे बिल्कुल इक्वल। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम सबसे पहले अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग इस तरीके से करनी है, हमें जो पैटर्न दिखाना है बीच में वो 2-2 इंच का दिखाना है, इसलिए हम लोगों को 3 इंच पे ये गोलाई देनी है। 3 इंच हम लोग इस जगह से लेकर और 3 इंच ही हम लोग इस जगह से भी ले लेंगे, और ये गोलाई इस तरीके से हम लोग इसमें ये दे देंगे। हम लोग 3 इंच यहाँ से, 3 इंच यहाँ से लेके इस तरीके से गोलाई दे देंगे हम लोग। और सेम ही ये हिस्से हमें 3 तो येलो कलर के चाहिए और 3 ही हम लोग ग्रीन कलर के भी कटिंग कर देंगे। ये इस तरीके से रेडी हो। फ्रेंड्स, ये हमने 3 हिस्से येलो के काटे थे और 3 हिस्से ग्रीन के काटे थे, तो 2 हिस्सों में हमें ग्रीन ऊपर चाहिए और 1 हिस्से में हमें येलो ऊपर चाहिए। तो हम लोग इस येलो वाले हिस्से को नीचे और ग्रीन वाले हिस्से को ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले टक लगा देंगे। टक लगाने के बाद इसको हम लोग पीछे की ओर फोल्ड करके पाइपिंग की तरह दिखाएंगे, तो ये हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो पीछे येलो चला गया और येलो की ही पाइपिंग हमने आगे शो कर दी, और जब ये अब हमें ग्रीन दिख रहा है और इसमें जो हमें येलो शो करना है, तो हमने ग्रीन वाले हिस्से को इसमें पीछे की ओर पुश कर दिया, तो इसमें हमें ये ग्रीन कलर की पाइपिंग दिख जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से 3 हिस्सों को रेडी करके सेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको दोनों तरफ से हमने पाइपिंग लगा दी। पाइपिंग लगा के और ये जो पैच हमने रेडी किया है, इसको हमने तीनों को एक दूसरे पर अटैच करके और इक्वल डिस्टेंस दे दिया है हमने। ये हमने 2.5 इंच की ये हमारे पास तीनों रेडी हैं। इन तीनों को एक कपड़े पे हमने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हम लोग यहाँ से हम लोगों को जो गले की लंबाई चाहिए 10 इंच, ये 10 इंच गले की लंबाई पे हमने ये निशान लगा दिया। उसके बाद हम लोग इसको इसके नीचे इस तरीके से सेट कर देंगे। इससे हल्का सा तिरछा लेना है अपने को, ताकि ये इस तरीके से हमारा शो होगा बिल्कुल, ये इस तरीके से। अब जो हमने पाइपिंग का टाका लगाया, इसी जगह हम लोग एक टक लगा देंगे, तो ये इससे अटैच हो जाएगा बिल्कुल। और नीचे भी हम लोग अब इसके जो ग्रीन कलर है, इसी ग्रीन कलर की पाइपिंग दे देंगे। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज की डिज़ाइन हमारे पास रेडी है। ये हमने इसमें 3 पट्टियाँ लगाई हैं 2.25 इंच की। अगर आप इसको 1 इंच की लगाते हैं तो इसमें हम लोग 5 पट्टियाँ भी लगा सकते हैं इस तरीके से रेडी करके। और इसमें हम लोग कंट्रास्ट में बटन लगा देंगे, ग्रीन पे येलो और येलो पे ग्रीन बटन दे देंगे, तो ये रेडी। 2 टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें गला हम लोगों को बड़ा चाहिए था, इसलिए नीचे हमने 3 पट्टियाँ दी। अगर यही गला अगर हमें छोटा चाहिए तो सेम यही पट्टियाँ हम 3 की जगह 5 पट्टियाँ भी लगा सकते हैं। और सेकंड, ये जो हमने पीछे जो पैच दिया है, इस पर हम लोग एक एक कॉन्ट्रास्ट में बटन भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए।